गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है जियोलॉजी का, उसके अंदर हम स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन एक्सरसाइज कर रहे हैं। और म्यूजियम स्पेसिमेन के अंदर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो हमारा अगला सदस्य है दैट इज बैलेनस, उसकी आज स्टडी करेंगे। ओके, बैलेनस जिसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं बच्चों, बैलेनस को रॉक बार्निकल या एकॉन बार्निकल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सबसे पहले हम इसका बैलेनस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बैलेनस जो जंतु है उसका डायग्राम बनाया है बच्चों। तो बैलेनस का स्ट्रक्चर या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम इस जंतु का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा का ये जंतु मेंबर है। सब फाइलम क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया के अंदर हम उस प्रकार के आर्थ्रोपोड्स रखते हैं जो जिनकी बॉडी सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन रीजन के अंदर जो है वो विभक्त होती है। और बॉडी के जो सिफेलोथोरेक्स रीजन है वहां पर एक हार्ड कैल्केरियस स्केलेटन कैरापेस के रूप में पाया जाता है। ओके, इसके अलावा इनके अंदर टू पेयर्स ऑफ एंटीनी सिचुएटेड रहती है। क्लास देखें दैट इज मैक्सिलोपोडा, सब क्लास दैट इज थीकोस्टेगा, इंफ्रा क्लास दैट इज सीरीपीडिया। देखिए, सीरीपीडियस वो जंतु होते हैं बच्चों जिनके अंदर कंपाउंड आईज एंड एंटीना इस प्रकार की संरचना जो है वो टोटली एब्सेंट होती है। अधिकतर सीरीपीडियस जो होते हैं वो ससाइल एनिमल, स्थान पर एनिमल होते हैं। सुपर ऑर्डर दैट इज थोरेसिका, ऑर्डर इसका जो है दैट इज ससीलिया, फैमिली बैलिनिडी, और जीनस इसका दैट इज बैलेनस। ओके, बैलेनस जीनस का नाम है और स्पीशीज जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, स्पीशीज का भी नाम इसमें क्या है, बैलेनस। तो हम इसको कह सकते हैं हम जंतु बैलेनस, बैलेनस की स्टडी कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम इस जंतु का यदि हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये जंतु किस प्रकार का जंतु है बच्चों, ये जंतु जो है वो ससाइल एनिमल है, ससाइल एनिमल है एंड मराइन वाटर एनिमल है। ओके, एक्वेटिक एनिमल है, मराइन वाटर एनिमल है। अधिकांश जो है वो कहाँ पाया जाता है, देखिए बच्चों वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन जो है मेनली ये पैसिफिक जो ओशियन है, पैसिफिक जो कोस्टल एरिया से वहां पे, नॉर्थ अमेरिका की जो कोस्टल एरिया से वहां, और लगभग अलास्का से लेकर मैक्सिको तक विशेष रूप से ये जंतु पाया जाता है। ओके, किस रूप के अंदर मिलता है, या अधिकतर जो है ना कोस्टल एरियाज में शैलो वाटर वाले जो कोस्टल एरियाज है वहां मिलता है ये जंतु हमें। ससाइल एनिमल है, अधिकांश के जो कोस्टल एरियाज की जो रॉक होती है वहां पे भी अपने शेल के द्वारा चिपका हुआ, और जो मोलस्कन एनिमल्स होते हैं जो मसल्स हैं उनके शेल के ऊपर या अन्य जो वस्तुएं होती है उन पे ये अटैच चिपका हुआ पाया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रॉक बार्निकल भी कहते हैं। ओके, अब चले हम इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर। देखिए, जो जंतु की जो बॉडी है, बॉडी जो है वो एनक्लोज रहती है एक सिक्स प्लेट से बने हुए कैल्केरियस शेल से। ओके, शेल पाया जाता है इनके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, और ये शेल जो है बच्चों कोन शेप का शेल पाया जाता है। यदि हम साइज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये शेल 5 मिलीमीटर टू 10 सेंटीमीटर तक के रेंज के अंदर हमें मिलता है। और यदि हम कलरेशन की बात करें तो ग्रे व्हाइटिश कलर का इनका कलरेशन होता है। ओके, सिक्स प्लेट्स का बना हुआ, ये सिक्स कैल्केरियस प्लेट्स होती है जिनके अंदर हम बात करें जैसे इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, इसके अंदर टू पेयर्स ऑफ कैरिनोलेटरल, ये जो कैरिनोलेटरल्स है टू पेयर्स होती हैं जो कि लेटरल साइड के अंदर स्थित होती हैं, और एक रोस्ट्रम जो अनपेयर्ड कैल्केरियस प्लेट है वो इसके ऊपर पाई जाती है। अदर अनपेयर्ड कैल्केरियस प्लेट विच इज नॉन एज अ कैरिना, ओके, इसके नीचे एक अनपेयर्ड कैरिना कैल्केरियस प्लेट सिचुएटेड होती है। इस प्रकार सिक्स प्लेट से बना हुआ ये बॉडी के चारों तरफ एक कैल्केरियस शेल कोन शेप के अंदर पाया जाता है। ओके,
अब हम बात करें इनका जो ये जो शेल की ओपनिंग है, इस शेल की ओपनिंग पर ऊपर की तरफ यहाँ पर दो स्पूटम और दो टर्गम, इन चार लेयर से बना हुआ एक मूवेबल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक मूवेबल ओपरकुलम होता है जिसके थ्रू ये बॉडी जो है वो जंतु अपने अपेंडिक्स जो है वो शरीर से बाहर निकालता है। ओके, ये तो बात हुई इनके शेल और शेल ओपनिंग की। अब हम बात करें कि सिफेलिक अपेंडिक्स की, तो जंतु में जो सिफेलिक अपेंडिक्स होते हैं वो किस रूप के अंदर होते हैं, मैंडिबल और मैक्सिली। ओके, मैक्सिली के रूप के अंदर इनके अंदर सिफेलिक अपेंडिक्स पाए जाते हैं। एंड थोरैक्स रीजन की बात करें बच्चों, तो थोरैसिक जो रीजन होता है उसके अंदर सेगमेंट्स नहीं पाए जाते, बल्कि जो थोरैक्स रीजन होता है, दिस रीजन बियर्स सिक्स पेयर्स ऑफ बायरेमस अपेंडिक्स। जो थोरैसिक रीजन होता है वहां से सिक्स पेयर्स ऑफ बायरेमस अपेंडिक्स जो है वो सिचुएटेड होते हैं। ओके, और ये जो अपेंडिक्स है थोरैसिक अपेंडिक्स, इनको सिराई भी कहते हैं। ओके, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, इन्हें हम सिराई भी कहते हैं। जब ये जंतु वाटर के अंदर होता है और जब आहार की आवश्यकता होती है तो उस टाइम ये अपने माउथ से इन थोरैसिक अपेंडिक्स को बाहर निकाल के भोजन को पकड़ने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ओके, जंतु किस प्रकार का है, जंतु किस पे फीड करता है, बेसिकली जंतु जो है वो फिल्टर फीडर है और बेसिकली जो प्लैंकटॉन्स होते हैं उन पर ये फीड करता है। ओके, बात करें यदि हम इसका जंतु के अंदर जो है वो किस प्रकार का जंतु है, ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है बच्चों। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, जंतु में जो एब्डोमन है, एब्डोमन ऑलमोस्ट इसके अंदर एब्सेंट होता है, पर एक माइन्यूट इसके अंदर रैमस के रूप में इसके अंदर जो है वो एब्डोमन, जिसको हम कॉडल रैमस कहते हैं, जो पेनिस के पास सिचुएटेड होता है, उस रूप के अंदर हम इसके अंदर एब्डोमन देख सकते हैं। ओके, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जंतु के अंदर होते हैं। ओके, और इनके अंदर जो है वो डेवलपमेंट यदि हम देखें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है बच्चों, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इनके अंदर एक लार्वा अवस्था पाई जाती है जो क्या कहलाती है, जो नॉक्लियस लार्वा कहलाता है। ओके, तो ये आज हमने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बैलेनस के पढ़े हैं। आपको इस जंतु का अपने फाइल के अंदर डायग्राम बनाना है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है बच्चों, और इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखना है।